राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 14वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाली कथाएं भी प्राप्त होती रहेंगी। और कथा पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि सहस्त्र बाहु दत्तात्रेय जी से पूछ रहे थे कि कांचन मालिनी कौन थी और उसने किस राक्षस को अपने पुण्य का दान किया था तथा उसकी सदगति किस प्रकार से हुई थी। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कांचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं? और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सिर पर गिर पड़ी है और इससे मुझ कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की वैश्या थी। मैं अनिंद्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके हैं। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नारकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। कृपया मेरे उद्धार का कोई मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती है, तथापि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र अतिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, परंतु प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार भी मन में नहीं लाना। तीर्थों में जहाँ अक्षय फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक बन जाता है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 14वें अध्याय समाप्तम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।